वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 19 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीतदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखायन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमो सर्वे इसकी अनेक तरह से व्याख्या हुई है पर सीधी सरल बात है ये पदार्थ और क्रिया ये है प्रकृति ये संसार है और क्रिया और पदार्थ अतीत है वो है तत्व
द्वाभिमौ पुरुषों लोके क्षर साक्षर क्षर अक्षर दो चीज है। द्वाभिमौ पुरुषों लोके क्षर साक्षर क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थो अक्षर उच्चते। तो क्षर है प्रकृति का कार्य। क्षर के दो विभाग है, एक पदार्थ है एक क्रिया है। मानो पदार्थ उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, और क्रिया का आरंभ होता है क्रिया की समाप्ति हो जाती है, ये है प्रकृति। और अक्षर जो परमात्मा का अंश जीव है, ये पैदा नहीं होता नष्ट नहीं होता। शरीर पैदा होता है नष्ट होता है, शरीर के साथ अपनापन कर लेने से खुद का जन्म और मरण मान लेता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अंत में कहा कि मैं मरीषेती, ये क्या है, पशु बुद्धि इमाम जही, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, इमाम पशु बुद्धि जही, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो तो मैं मर जाऊंगा, ये वास्तव में पशु बुद्धि मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य बुद्धि विवेक होता है ना, खुद थोड़ा ही मरता है, शरीर मरता है, तो मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है। तो आप मरने वाले नहीं है सुबह जैसे बताया, और ये शरीर ये रहने वाले ये मरने वाले ये हरदम मौत में रहता है, हरदम ही मौत में रहता है शरीर। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये मौत से रहित रहता हो। ये बदलता है, क्या हुआ, पैदा रूप छोड़ दिया मर गया, ये मरता ही केवल मरने की परंपरा है, मरने की एक धारा है, उसको वर्तमान कहते हैं। हम हैं, हम जीते हैं, जो मरने की धारा चल रही है गंगा जी की जैसे धारा चल रही है, ऐसे जो मरने की तरफ धारा चल रही मर रहा है प्रत्येक क्षण, उसको कहते हैं जीना। जीना है नहीं, मरने की परंपरा का नाम है जीना कहते हैं। तो हरदम मौत में रहता है शरीर, सरसर हरदम मौत में रहता है, और जो स्वयं है हरदम बेमौत रहता है, नित्य रहता है, नित्य सर्वगत स्थान सनातन अभ्युक्त हो असिद्योम अविकारियों उच्चते तस्मा देव मिलता शोचित मदृश, ऐसे जन तो शोक नहीं हो सकता। तो ये सदा निरंतर है जो कहता रहता है, और शरीर निरंतर ही मौत में है। आपका और शरीर का इतना भेद है, बिल्कुल स्वभाव बिल्कुल ज्यादा भेद है। शरीर का तो निरंतर मरना ही मरना है और निरंतर इसका रहना ही रहना है, ये जाति भेद है आपस में, इसका जाति ख्याल लिया ठीक है। मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, सही वो नहीं है कि वो शरीर तो बदलते मरता है, वो बालकपन मर गया, हम आकर के बैठे उस समय जो शरीर था वे सब मर गए, वही नए है नए आए गए नए आ गए वो मर गए, हरदम मरता है हरदम प्रवाह होता है, जो जानने वाला रहता है जो का जो है। तो क्या हुआ, एक तो क्रिया हरदम मरने की क्रिया हो रही, एक पदार्थ है, तो ये पदार्थ है शरीर का, ये सब पदार्थ कहलाते हैं, और इसका परिवर्तन होता है ये क्रिया है, क्रिया और पदार्थ का नाम प्रकृति है, प्रकृति से अति तत्व है, ना तो उसमें क्रिया है ना पदार्थ है, क्षर अक्षर वो है, मानो क्षर है अक्षर ना, अक्षर रहने वाला आत्मा और क्षर होने वाला ये संसार जो बदलने वाला हरदम है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है परमात्मा, यस्मात् क्षरम अतीत, क्षर से तो अतीत है, अक्षर से उत्तम है, क्षर से वो नाशवान से तो अतीत है, नाशवान की जाति दूजी है, वो जाति दूजी है, तो अक्षर से तो अतीत है, और अक्षर से उत्तम, अक्षर क्या जीवात्मा, इससे उत्तम है परमात्मा, इस बात पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहते हैं, तो निरंतर रहने वाला परमात्मा है, इस क्षर अक्षर से उत्तम होना है। तो जो क्या करें, चाह एक तो चाह मन में कामना और एक क्रिया, तो चाह कामना से रहित हो जाए और क्रिया से रहित हो जाए। हमारी क्रिया नहीं है, हर एक क्रिया पैदा होती है समाप्ति होता है, मैं बोलना शुरू करता हूँ फिर बोलना समाप्त होता है, इसमें वाक्य गाके दे फिर वाक्य समाप्त होता है, शब्द एक पैदा होता है शब्द अंत में होता है,
अक्षर एक एक होता है फिर अंत होता है, तो ये हरदम नाश की क्रिया, क्रिया क्रिया में भी नाश की क्रिया है, पदार्थ में भी नाश की क्रिया है। तो क्या अपना कोई कामना ना करे, कुछ भी कामना ना करे, कुछ भी क्रिया ना करे, तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक ही बात है, सार रहित हो जाए और प्रयत्न रहित हो जाए। स्वतः परमात्म तत्व में स्थिति है, पदार्थ और क्रिया को लेकर के ही हम संसार में है, प्रकृति के साथ संबंध रखते हैं, और क्रिया और पदार्थ से रहित हुए अपने स्वरूप स्थिति स्वतः ही स्वाभाविक है। जो बचवाइए सत्य है, स्वाभाविक करना नहीं पड़ता, क्रिया और पदार्थ से रहे थे, क्योंकि पदार्थ कोई भी स्थिर नहीं है, क्रिया कोई भी स्थिर नहीं है, ये अस्थिर अस्थिर ये प्रकृति और स्थिर रहने वाला पुरुष, बस उसकी प्राप्ति हो गई, पूर्ण हो गया, ये तत्व ज्ञान हो गया। और जो क्षर से अतीत, क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम, वो परमात्मा है। परमात्मा लग गए तो पदार्थ और क्रिया से विमुख हो जाओ, चाहे तुम्हें का त्याग कर दो, चाहे विमुख हो जाओ, छोड़ दो, अपने सन्मुख जाओ भगवान में, हे नाथ हे नाथ, एक परमात्मा ही, और पदार्थ नहीं, पदार्थ की और क्रिया की परवाह ही नहीं, तो हो जाएगा। और क्रिया और पदार्थ करो तो संसार सेवा में, वस्तु भी सेवा में लगा दो, कर्म काम में सेवा संसार का करो, क्रिया और पदार्थ में लगा दो, क्रिया और पदार्थ सेवा में कर्म योग हो गया, आप अलग हो ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान अलग भक्ति योग हो गया। अच्छी बात है, कितनी शुभ सरल बात है, बहुत सीधी सरल बात है, सीधी बात एकदम सर। परमात्मा की तरफ से ये बड़ा शुभ काम है, बहुत सरल है, क्योंकि मनुष्य मात्र में क्या, जीव मात्र में, मनुष्य नहीं, जीव मात्र में एक अभाव है, अभाव, और ये किसी भी ऐसा सहारा चाहता है, सहारा, क्योंकि परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, तो परमात्मा से उत्पन्न हुआ तो जिससे उत्पन्न हुआ उस सहारे की जरूरत है। अब सहारा ढूंढता है तो नाश हो जाए, पैसों का सहारा है, कुटुंब का सहारा है, और मकान का सहारा है, किराए सहारा, कोई सहारा ढूंढता है, ये सारा कच्चा है सभी, और ये सहारा परमात्मा का ले ले, निहाल ले। लता भी होती है वो यूं यूं करके, और वृक्ष को पकड़ लेती है, वृक्ष चढ़ जाती है, दीवार को पकड़ लेती है, वृक्ष को पकड़ लेती है, चलती है। प्राणी भी सहारा चाहते है, ये चले मेरे सहारा, हमारे कुछ कुछ सहारा चाहिए, माँ बाप का सहारा, फिर पति पुत्र का सहारा, सहारा चाहिए, तो ये सहारा वास्तव में भगवान का है, भूख तो है भगवान की, अरे मिटाना चाहते नाशवान से, स्वयं तो अविनाशी, तो भूख है अविनाशी की, और मिटाना चाहते विनाशी से, ये मिटेगी नहीं कभी, नहीं मिटने पर भी जिद ऐसी है कि धन मिल जाए तो न्याय जाओ, मान मिल जाए तो मिनिस्टर बन जाते हो जाए, नाराजा हो जाए, हम ऐसे बन जाओ ठीक हो जाए, कभी होने वाला है नहीं, शांति मिलने वाली है नहीं, और परमात्मा का सहारा ले ले तो अशांति रहने वाली नहीं है, इतनी पक्की बात है, केवल परमात्मा का सहारा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, सीधी सरल बात है, पर दूसरे का सहारा पकड़ेंगे और वो पकड़ेंगे, अरे भाई जरूर परमात्मा का सहारा पकड़ो, फिर दूसरी जरूरत क्या है। गोस्वामी जी महाराज, ये बैणी माधव जी मित्र थे, दो मित्र थे आपस में, वे राम जी के भक्त थे, तो कृष्ण भगवान के भक्त बन गए, तो उन्होंने लिखा, कहा कमी रघुनाथ थे जो छांडी आपनी बान, अपना स्वभाव था रघुनाथ जी महाराज भक्ति करने, तो रघुनाथ जी दरबार में किस बात की कमी थी, कौन सी कमी थी, रोट जहाँ ज्यादा क्या कमी मिली जो अपना स्वभाव छोड़ दिया आपने, कहा कमी रघुनाथ ही जो छाड़ी आप निभा, तो उन्होंने लिखा कि मन बैरागी हो गयो सुनपंशी की तान, अब कमी नहीं बैराग हो, बैराग वस्तुओं क्या करे, एक वंशी की तान सुनी मन खींच गया, क्या करे,
कमी कान थोड़े गए हैं। अब राजा महाराज ने कमी क्या, किस बात की कम बताओ, किसी बात की कमी नहीं, परंतु क्या करो, मन बैरागी हो गया। बैरागी हो गया कमी क्या क्या जरूरत जरूरत नहीं की सुन बड़ी की था बड़ी सुनी बन बैरागी हो गया सुन बड़ी की था तो भगवान जब मन खिंच जाए फिर कितने कोई कमी है, कमी है जता जरूरत नहीं, कमी यदि क्या होता है, कोई कमी है ही नहीं, सब पूर्ति हो जाएगी। और जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये कमी पूरी होने वाली है नहीं। जैसे कोयला होता है ये अग्नि से अलग होने से काला हो जाता है, अग्नि में चमकता है खूब, चमकते हुए अंगार से भी हो लकड़ी निकाल दो काली निकलेगी, संपत्ति भी नहीं निकलेगी, क्यों कुछ जितने लगे नहीं वो तो अलग अलग अग्नि से अलग हो गया मैं काला हो जाएगा, जितनी शक्ति लकी रही वह काली काली हो जाएगी, सफा होने पर काला हो जाएगा, फिर उसको कितना ही धो साफ हो गया सफा होना है, कोयला हो नहीं उजला सौ मन साबण लगाए, सौ मन साबण लगा उजला हो जाएगा, क्यों जिससे बिछड़ा है उसमें होने से ही पता चमकेगा, आग में रख दो चमकने लगेगा, ये जीव सोमन साबण लगाते हैं धन ले जा रहे मान हो जा रहा बड़ाई हो जाएगी पद मिल जाएगा अधिकार मिल जा रहे बड़ा पद हो जाए बड़ा देवता हो जाएंगे, ये सब साबण लगाना है, साबण से कोई अलग होगा नहीं, ये परमात्मा से अलग हुआ है, परमात्मा के साथ मेरा चमक रह जाए, जितना जितना ये परमात्मा के साथ एक हो जाएगा उतना समाज समाज में चमक उठेगा, महात्मा हुए बड़े बड़ी महात्मा क्या है, वो जो अग्नि के साथ थोड़ा संयोग हुआ थोड़ा चमक लग गया, पूरा चमक पूरा चमक लग गया, जितना जितने लगे चमक लग गया, सीधी सारी बात है, क्रिया और पदार्थ संसार है, अचार अप्रियत, कोई चाहना नहीं कुछ करना नहीं, कोई चाहना नहीं कुछ करना नहीं, कहीं जाना है नहीं जाना है नहीं जाना है कुछ चाहना कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं करना चुप हो जाओ, नींद ना आलस है नींद आलस होती है ना, नींद है ना आलस है ना समाधि लगाना है ना कुछ करना है, केवल आचार अप्रयत्न का है, कोई चाहना नहीं कोई उद्योग नहीं कोई प्रयत्न नहीं, आप से आप हो जाएगी, इतनी बढ़िया बात है शुभ बात है एकदम सा, नहीं तो अरे पदार्थ क्रिया दो है, अगर आप ऐसे न हो सको तो पदार्थ से और क्रिया से सेवा करो, पदार्थ देवो और खटकर परिश्रम करो सेवा के लिए अपने लिए नहीं तो हो जाएगी, प्रकृति का पिंड छूट जाएगा, बस तुम जितनी वो सेवा करो, निर्वाह वह जितनी अपनी कर रही हो देगी, निर्वाह भी किस लिए, रोटी जल अन्न जल और वस्त्र किस वास्ते, सही निर्वाह सेवा कर सकें, सेवा के लिए और कोई जरूरत नहीं, जीने की कोई जरूरत नहीं, अन्न जल वस्त्र मकान, अन्न जल वस्त्र और मकान और क्या चाहिए, तो अधिक रुपया कुछ अगर करोगे क्या आफत होगी, परंतु बैठ के बाद क्या करेंगे, तो ऐसी बात है, तो ये बात है अधिक करोगे क्या। मैंने कलकत्ता में एक सज्जन से पूछा कि आप धन कमाते हो तो करोगे क्या, अन्न जल आप लेते मकान आपने बैठे खाओ पीढ़ियां तक बैठे बैठे खाओ तो उठे नहीं, इतना तो है ही, फिर कमाई करो क्या, तो बोले महाराज इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, इसका उत्तर नहीं है हमारे पास, क्या करोगे तो धन्य कमाओ कमाओ, अरे करूँ क्या कमा कर ले, सज्जन मैंने देखा माँ बेटा दो थे वो अपना कारीगरी का काम करता कर लिया, अच्छी तरह से रोटी खाते हैं बढ़िया साग रोटी घी दूध दही दूध तो मेरे खाते हैं अपना, और कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तो फिर राम से राम राम करते करते थोड़ा कम हो गया फिर कमाने लग गए, खाते करीब मित्र न बेटा न पोता न कुछ नहीं, वहां मर गए साधु के
और क्या करना है। आप एक एक विचार करो कि क्या करोगे, अधिक संग्रह कर करोगे क्या। सीधी सरल बात है, आफत है कोई आफत, सेवा लगाओ सेवा लगाओ, सेवा के वास्ते है सभी, पर ये तो बहुत कम आदमी मिलेगा कि भाई दूसरों की सेवा वास्ते है, अपने तो अपने लिए कुछ नहीं है, सेवा वास्ते उत्साह से लगो, कुछ करो सेवा करो, तो सेवा करो ये कर्मयोग हो गया, तो अलग हो जाओ ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान लगा दो भक्ति योग हो गया, और अपने लिए लगा दो जन्म मरण योग हो गया, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, लंबा रास्ता आ ही नहीं, लंबा रास्ता तो यही आ जा, गोल रास्ता क्या अंतर, काली का बैल ऊपर घर चलता है और एक कदम भी कहीं वहां का वही और ऊपर भर चलता है, आंखें बंद हुआ वह चलता है उम्र भर और वहां का वही रहा है, मर गए तो फिर जन्म जन्म गए फिर मरोगे, मरना बाकी जन्मना बाकी, पस जन्म पस मन पुनर्भि जननम पुनर्भि मरनम पुनर्भि जननी जठरे शयनम, इस संसार कुछ दुस्तारे पाई मुरारे कृपया पारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़मते, पुनर्भि जननम पुनर्भि मरनम, मर गए तो जन्मना बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, सब में मरना बाकी है, मरना बाकी है, मर गए फिर जन्मना बाकी, तो चक्र में चढ़े हो समय मिलेगा ही नहीं, अलग हो जाओ तो निहाल जाओ, आप निहाल जाओ जो निहाल करो, बड़ा भारी उपकार होगा आपके द्वारा, दुनिया का भी गोस्वामी जी महाराज के द्वारा कितना उपकार हो रहा है, कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा के शांति देश बता गए थे, रामायण से जो शांति मिले वो अरबों रुपया खर्च करके भी कर सकता है क्या, और बिल्कुल एक नहीं लगे आप ही हुए, घोषण करना ही नहीं पड़ा कुछ भी, आप ही हुए भगवान तक चलो सब काम ठीक हो गया, आप साहब सीधी सरल बात है, मीरा बाई के पद कितनी मेरे भाई याद कर तो शांति, मीरा बाई के पद गावे तो शांति मिले, प्रसन्नता हो क्या दिया शांति भगवान, मीरा बाई ने रोटी दी भिक्षा यही करी, अच्छा मेरे भाई अच्छे लगे प्रिय लगे अच्छी क्यों लगे, भगवान का गुण गावे भगवान ऐसा अच्छा लगे, भगवान के साथ अच्छा लगेगा सबको जान में अनजान में सबको, क्योंकि भगवान हमारे परम प्यारे प्रभु, उनके में लग जाए वो सभी अच्छा हो जाएगा, और सीधी सरल बात है, कुछ करना नहीं कुछ लाना नहीं कुछ लेना नहीं, सीधी बात बताओ, कहो भगति पथ कहो न प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, कहो भगति बताओ, मोर दास का है नर आशा बस, एक भगवान की आशा और आशा नहीं बस, आशा ही परमो दुख नहीं रहस्यम परमो सुख, एक आस हो एक वजन एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, एक आस हो एक वन एक आस विश्वास, एक भगवान और हमें मतलब नहीं किसी से, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना कैसी मौज की बात है बताओ, लेना एक देना दो सुन लीजिए सीधी जी सोच, सीधी बात सुन लीजिए, लेना एक देना दो सुन लीजिए सीधी जी सोच, सीधी बात अपने राम जी से, अपने राम से रच रही है, अपने राम से रच रही है, जो कोई बाती बाद चलावे दो गाल वकी सही है, अपने राम से रच रही है, अपने कोई बात करे तो दो गाल दो गाल चलो गाली वाकई सही है, अपने राम से रच रही है, अपने तो राम से मतलब है, कोई गाली दे तो अच्छी बात, नहीं दे तो अच्छी बात, चल कर अच्छी बात है, तिरस्कार कर तो अच्छी बात, रात्रि करते छुट्टी दे दो सब छुट्टी, सबको छुट्टी, खुश राजू को राम गाली दो ब्राज दो आदर करो निरादर कर दो सबको छुट्टी, यू करो और तुम यू मत करो, ये बात है भाई हमारे अनुकूल चलो प्रतिकूल मत चलो, क्यों दो छुट्टी दे दो सबको, तो आप छुट्टी पा जाओगे,
श्रद्धा के लिए छुट्टी हो जाती, जनमान से छुट्टी हो जाती, अपने स्तर में छुट्टी दी और छुट्टी मिली। अपने तरफ नहीं मारते, ये होना चाहिए यो नहीं होना चाहिए, अब मौज करो, अब दुख का अंत नहीं होगा। एक कहानी आती है, एक कोई पुरुष था जो उसने कहा मेरी स्त्री खो गई, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम, तेरी स्त्री क्या थी? मेरा नाम तो है बदमाश, मेरी स्त्री सी फजीटी। कहते तू रे जीता रहेगा, पति पड़ता है बदमाश फजीती आती रहे, मैं छोड़े नहीं पड़ी पति पड़ता, बदमाश और फजीती रहेगी बाकी डर मत, बस बदमाश पाकी रहे पक्का रहे, फजीती आप सब आ जाएंगे। बदमाश फजीती आप सामने पति पड़ता छोड़ेगी तो ये मैं होना चाहिए यो नहीं होना चाहिए, बस अब आप बता जाएंगे। अब अशांति के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, दुख के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ेगा, परिश्रम कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस मौज करो, अब दुख ही दुख है, क्या होना चाहिए करे जो होना चाहिए। मठ गया स्वयं ज्योति महाराज ने से कहा कि महाराज जीवन मुक्त महात्मा क्यों होता है? यू और यू मिट जाती हो जीवन, संजय जी महाराज भर रहा है न्यू और न्यू, ये मिट जाती जीवन हो जाता है, न्यू और न्यू रहती है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बस अब फंस गए, अब कोई जरूरत नहीं, कोई किसी उद्योग की जरूरत नहीं, फंस गया वो और न्यू और न्यू छोड़ दी है। एक बाबा जी थे चल रहे थे तो पूर्व जब जा रहे थे पश्चिम से आवा जटा आ जाए गाड़ी चले फिर फिर चले फिर चलते अपने देश को वहां क्या जाना कोई वहां लड़का लड़की नहीं वहां जाना नहीं अपने सामने चलो राज्य प्रवर्षण कीजिए कोई कहो वो क्यों है आंसू दीजिए हाँ बाबा जी क्यों है ठीक है महाराज बोलो कुछ लेना देना मगन रहना काम कर दिया सेवा कर दिया आदमी अपना भाई जैसी और क्या सेवा किसी से कोई मतलब नहीं है भजन करे भगवान को याद करता रहे मौज हो जाए मौज मान अपने राम शहर रची रही और क्या करना बताओ कितनी बढ़िया बात कितनी शुभ बात कितनी सरल कितनी बढ़िया कितनी संसार को निहाल करने वाली संसार सब राजी हो जाए यूं करो यूं मत करो आप तो जा दुनिया गए बूढ़े माई तो आप तो जा जवान छोरों गए कि पिताजी तीर्थों में चले जाओ यूं करो छोरा यूं करो आप तो जाए तुम क्या मतलब कभी करो किसी करो छोटे बोले केड़ो वो छोड़े छोटे ही क्या करा बताने मारी जाओ सबको दे दी छुट्टी दे दी बस तो सबको छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी मिल जाएगी सब तो बात तो ये है भाई सीधी सर मुस्त रहो भगवान याद रखो अपने राम शहर से जितने राम जी से जो एक राम मौज हो जाएगी गृहस्थ में रहते हुए अभी काम कर दो किसी का ही ना तो कहिए नहीं किसी से दोस्ती है नहीं किसी से बैर नहीं किसी के सिरधनी नहीं किसी के बैर नहीं किसी से दोस्त है नहीं किसी से बैर कितनी बात है सुन मित्रा उदासी ना मध्य सदेश बंधुषु साधु सभी पापेशु समुद्र विशेषित समुद्र विशेषित कैसे आने की बात है समुद्र सदा दिवाली संत विराट होगा राम की बात ये सुगम है ना संसार में कोई ऐसा सुगम काम नहीं है, है? सबसे सरल है सबसे सीधा है
सबसे सुगम हमें भगवान भजने लग गए भाई। तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार नारायण तू बैठ के अपने भुवन को अपना साप को बंद निर्मल बनाओ। सब भगवत स्वरूप है सबको नमस्कार। नरे सभी संबद्ध भाव पुरुषो भाव है तो सब में भगवान का भाव है। भगवान है भगवान है श्री राम है सब जग जानी करो प्रणाम जो है सीताराम 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 सबको प्रणाम करते रहे श्री राम है सब जग जानी करो प्रणाम जो पान सब हमारे सब जगी स्वरूप है मोहल जो भी आन भी आन दे कोरा आन भी आन दे। अब सुनाओ महाराज कीर्तन सुनाओ।